नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे बायबैक में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी विप्रो और टीसीएस का बायबैक चल रहा है, तो अब विप्रो और टीसीएस के बायबैक में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कैसे हम ओएफएस में अप्लाई करें, कैसे हम डीलिस्टिंग ऑफ शेयर में अप्लाई करें। इन सभी कॉर्पोरेट एक्शन में आप अप्लाई करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से सीख जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से आप जीरोधा में इन सभी चीजों में अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें, जीरोधा में बायबैक, ओएफएस और जो डीलिस्टिंग है उसमें अप्लाई करना काफी सिंपल है। और अभी तक आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि जीरोधा नंबर वन ब्रोकर है और यहाँ पर आपका जो यूजर इंटरफेस है काफी सिंपल है और जो नए लोग हैं उसके लिए काफी हेल्पफुल है ये यूजर इंटरफेस। यहाँ पर आप आसानी से कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और अकाउंट ओपन करने के बाद हमें जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर कर दीजिएगा आपका आईडी क्या है। आपको मैं अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको जो भी डाउट होगा ट्रेडिंग से रिलेटेड और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स आपको मैं क्लियर कर दूंगा। आपको कब शेयर बाय करना चाहिए, कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस प्राइस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका भी अकाउंट जीरोधा में है तो आप आसानी से बायबैक में, डीलिस्टिंग ऑफ शेयर में और ओएफएस में अप्लाई करने के लिए सीख जाएंगे। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, ये जो आइकन है, जैसे आप मोबाइल ऐप में लॉग इन करते हैं या वेबसाइट पर, मतलब ये जो kai.zerodha है इसमें आप लॉग इन करते हैं मोबाइल ऐप में या आप इसके वेबसाइट पर यहाँ पर लॉग इन करते हैं, आपको इस आइकन पर क्लिक करना है। ये आइकन मोबाइल ऐप में भी दिखाता है और वेबसाइट दोनों पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको नीचे दिखेगा, देख सकते हैं कंसोल, तो इसी कंसोल पे जाना है। तो जीरोधा का जो कंसोल वेबसाइट है उस पर आप डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप console.zerodha पे आ जाते हैं या डायरेक्ट आप console.zerodha में लॉगिन भी कर सकते हैं। जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने यहाँ डैशबोर्ड खुलेगा, तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो में जाना है। इस पोर्टफोलियो पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर पोजिशन मतलब आपका जो भी स्टॉक खरीद के रखे उसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपका होल्डिंग दिखाएगा, ये IPO है, IPO में अगर अप्लाई करना है तो IPO पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको ओएफएस में, शेयर बायबैक में और अगर डीलिस्टिंग में अप्लाई करना है तो कॉर्पोरेट एक्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए हम कॉर्पोरेट एक्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप कॉर्पोरेट एक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां आपका जो भी अभी बायबैक चल रहा होगा वो सारा ओपन हो जाएगा और यहां जो टेक ओवर है वो आपका यहां ओपन हो जाएगा। जैसे आपको बायबैक में अप्लाई करना है टीसीएस में, तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर थ्री डॉट जो है इस पर क्लिक करना है। जैसे थ्री डॉट पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ कहेगा प्लेस ऑर्डर, तो प्लेस ऑर्डर पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना क्वांटिटी फिल करेंगे। चलिए हम अपना क्वांटिटी यहाँ फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने 110 क्वांटिटी अपना फिल कर दिया। जैसे आप 110 क्वांटिटी फिल कर लिए, अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 1000 शेयर आप यहाँ पर आप बायबैक में देना चाहते हैं तो आप उस यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों, बायबैक में आपका सारा का सारा शेयर जो है बायबैक नहीं होगा। अगर बायबैक है 1 करोड़ क्वांटिटी का, मतलब 1 करोड़ टीसीएस के शेयर का बायबैक है, और अगर अप्लाई होता है यहाँ पर 10 करोड़ TCS का शेयर अप्लाई हो जाता है, तो बस आप समझ जाइए कि 1:10 के रेशियो में ही एक्सेप्ट होगा। मतलब आप 110 क्वांटिटी अप्लाई किए हैं तो इसका 10 से डिवाइड कर दीजिए, मात्र 11 क्वांटिटी आपका एक्सेप्ट हो सकता है। वो भी होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मैं कई बार अप्लाई कर चुका हूँ, एक्सेप्ट मेरा कभी नहीं हुआ है। मैंने अप्लाई किया था TCS में, अप्लाई किया था हमने जस्ट डायल में, किसी भी मेरा बायबैक में स्टॉक्स नहीं गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। TCS में बायबैक में अप्लाई हो गया, यहाँ अभी यहाँ देख सकते हैं TCS के लिए अप्लाई हो गया हमारा जो पेंडिंग है ऑर्डर। ऑर्डर एक्सेप्ट होगा कल जब मार्केट ओपन होगा। अगर हमारे अकाउंट में 110 TCS का क्वांटिटी होगा तो ये ऑर्डर एक्सेप्ट होगा, अगर 110 से कम होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर 110 से अधिक शेयर है तो आपका सिर्फ 110 क्वांटिटी ही बायबैक में जाएगा और वो आपका जो यहाँ अकाउंट है यहाँ पर नहीं दिखाएगा। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो शेयर कंपनी के पास चला जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होता है तो फिर से आपका अकाउंट में यहाँ पर वापस आ जाएगा, मतलब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है यहाँ पर आपको दिखाने लगेगा। डिमेट अकाउंट में आपका दिखाएगा, डिमेट अकाउंट में तब मतलब शेयर आपका निकलेगा जब शेयर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। आप जैसे विप्रो में कैसे अप्लाई करना है, फिर थ्री डॉट पे क्लिक करना है। जैसे थ्री डॉट पर आप क्लिक करते हैं यहाँ प्लेस ऑर्डर आएगा, प्लेस ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पर क्वांटिटी आपको फिल करना है। तो यहाँ पर क्वांटिटी हमने 100 क्वांटिटी फिल कर दिया, अब आप सबमिट में क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका जो विप्रो में बायबैक है वो चला जाएगा, आपके पास जितना भी क्वांटिटी होगा उसमें से 100 क्वांटिटी लॉक हो जाएगा विप्रो
के बायबैक में, और अगर एक्सेप्ट होता है जितना क्वांटिटी वो आपके डीमैट अकाउंट से निकल कर चला जाएगा और आपका जो भी अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से TCS और वाइप्रो दोनों के बायबैक में हमने अप्लाई कर दिया। अगर आप इसे किसी भी टाइम कैंसिल करना चाहते हैं एक्सेप्ट होने से पहले, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैंसिल ऑर्डर आपको दिखाएगा। तो जैसे कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो ऑर्डर प्लेस है वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हम कैंसिल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ कन्फर्म करने बोला जा रहा है, कन्फर्म कर देते हैं। तो इस तरह से जो TCS का मैंने अप्लाई किया था उसे कैंसिल कर दिया, सिर्फ मैंने वाइप्रो में अप्लाई किया। वाइप्रो में अगर आपके पास शेयर है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी शेयर बायबैक में आएगा तो आप यहाँ पर पोर्टफोलियो में जाएंगे console.zerodha पे, आप यहाँ से बायबैक में अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पर आपको डिलिस्टिंग पे भी मिल जाएगा। अगर डिलिस्टिंग में होगा तो यहाँ पर डिलिस्टिंग में ऑर्डर इसी तरह प्लेस करेंगे जिस तरह से बायबैक में प्लेस करते हैं, उसी तरह OFS रहेगा तो OFS यहाँ ऊपर में ही दिखाएगा, OFS में आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।